बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? इसका एक दूसरा नाम है प्राइड, PRIDE, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इवेल्युएशन। सबसे पहले हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग डिस्कस करते हैं। एमबीओ इज सेटिंग गोल्स फॉर ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज। हर मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए कोई भी मैनेजर किसी भी लेवल पर जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसके गोल सेट्स करता है, उसे एमबीओ कहते हैं। एमबीओ के थ्रू मैनेजर हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, इसमें जो भी स्टाफ है, जो भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके माइंड में गोल्स क्लियर होने चाहिए। उन्हें अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो जल्दी अचीव हो सके। सिंपल इज दैट कि एमबीओ में गोल सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं ताकि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल किया जा सके और कोई भी वेस्टेज ना हो। पेटर ड्रकर, जो कि एमबीओ टेक्निक के फाउंडर हैं, उनका क्या कहना है एमबीओ के बारे में? एमबीओ इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम फॉर इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड एंटरप्राइज एज अ होल बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एट द कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स लेवल। इस डेफिनेशन में पेटर ड्रकर ने ये कहा है कि एमबीओ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल मैनेजर को तो एडवांटेज होता ही है, इसके साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें हर लेवल पर, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, डिपार्टमेंटल लेवल हो या फिर इंडिविजुअल लेवल, हर एम्प्लॉय के गोल्स को सेट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। एमबीओ में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज साथ मिलकर काम करते हैं। एमबीओ इज अ पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर टू सेट, रिकॉर्ड एंड मॉनिटर गोल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एमबीओ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑफ 1 month, 3 or 6 months। आई होप आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।